आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय जलधाराओं के बारे में, ठीक ना। महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, धाराएं क्या होती हैं, ये सारा कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें समझते हैं, ठीक ना। देखिए, जब हम धाराओं की बात करते हैं तो धाराओं में भी कुल तीन चार प्रकार के तत्व निकल करके सामने आते हैं। उसमें से जैसे पहला है प्रवाह। प्रवाह को समझिए, ड्रिफ्ट। प्रवाह क्या होता है? जब वायु के संपर्क में आ करके, जब पवनों के संपर्क में आ करके और समुद्री सतह का जल मंद मंद धीरे धीरे बहने लगता है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है और बहुत बड़े पैमाने पर जल की भारी मात्रा नहीं होती है, ठीक है। जल का सिर्फ समुद्री सतह के ऊपरी जल का प्रवाह होता है, ठीक ना। जैसे ये समुद्र है, देखिए ये समुद्र है और ये पूरा जैसे भरा हुआ, सिर्फ ऊपरी जल का प्रवाह हो, किसका? ऊपरी जल का। ये मंद मंद ये गति करे, मंद मंद गति मतलब बहुत धीमी गति करे पवनों के प्रभाव से, तो उसको बोलते हैं प्रवाह। इसके बाद आता है धारा, करंट, ठीक है। देखिए, जब पवनों के प्रभाव से या किसी भी कारण से समुद्री सतह का जल, ठीक ना, निश्चित दिशा में निश्चित सीमाओं के अंतर्गत गति करता है तो उसको बोलते हैं धारा। समझिए, निश्चित दिशा में निश्चित सीमाओं के अंतर्गत, ठीक ना, जो समुद्री सतह का जल बहता है तो उसको हम कहते हैं जलधारा, समुद्री जलधारा। क्लियर। प्रवाह में क्या था? कोई निश्चित सीमा इसकी नहीं थी, है ना, सिर्फ एक दिशा में मंद मंद बह रहा था। कभी पता चला कि पवन इस दिशा से जा रहा है तो इधर जल को लेके जा रहा है, कभी पता चला कि पवन इस दिशा से चलने लगी तो इसका प्रवाह इधर होने लगा। तो समुद्री जल के सिर्फ ऊपरी सतह का जल जब धीरे धीरे बहता है तो उसको कहते हैं प्रवाह। लेकिन जब समुद्री जल है ना, सतह का निश्चित दिशा में निश्चित सीमाओं के अंतर्गत बहता है तो उसको कहते हैं धारा। ध्यान दीजिएगा, धारा की जो गति होती है वो प्रवाह से तेज होती है, ये धीरे नहीं बहता, तेज चलता है। अगली चीज है विशाल धारा, यानी कि स्ट्रीम। क्लियर। जब समुद्री जल निश्चित दिशा में निश्चित सीमाओं के अंतर्गत तेज गति से, है ना, और नदियों के समान, ऐसा जैसे नदियों में पानी बहता है उस हिसाब से बड़े पैमाने पर मतलब भारी मात्रा में, जब समुद्री जल निश्चित दिशा में निश्चित सीमाओं के अंतर्गत तेजी से गति करता है तो उसको बोलते हैं विशाल धारा, है ना, स्ट्रीम इसको इंग्लिश में कहा जाता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम, है ना। प्रवाह, प्रवाह में क्या आएगा? जैसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ठीक ना। धारा जैसे जो कम बह रहा है ना, जैसे ब्राजील की धारा, फाकलैंड की जलधारा, ठीक है, और विशाल इसमें गल्फ स्ट्रीम आपका आ गया, ठीक ना। नदियों के जल के समान इसकी कई ब्रांचेस भी होती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम पढ़ाएंगे तो बताएंगे ना, फ्लोरिडा की जलधारा है ना, तो गल्फ स्ट्रीम का ही पार्ट है, तो कई ब्रांच में हो जाती हैं वो। इतनी चीज़ें उम्मीद है समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत? एक बार फिर से सुन लीजिए, जब जल समुद्री जल धीरे धीरे, है ना, सतह पर धीरे धीरे एक दिशा में प्रवाहित हो पवनों के प्रभाव से तो उसको कहते हैं प्रवाह। सिर्फ ऊपर का जल धीरे धीरे प्रवाहित होता है, उसके बाद निश्चित दिशा में निश्चित सीमा के अंतर्गत थोड़ी तेज गति से प्रवाहित हो निश्चित सीमाओं के अंतर्गत तो उसको हम कहते हैं धारा। निश्चित सीमाओं के अंतर्गत का कहने का मतलब क्या है कि इसकी सीमाएं निश्चित होती हैं, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, और प्रवाह की कोई सीमा नहीं होती, वो बहता चला जाता है ना।
16 से 20 किलोमीटर तक का प्रवाह हो जाता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, डिपेंड इस बात पर करता है कि पवन की प्रकृति कैसी है, पवन तेज चल रही है, धीमे चल रही है, कितने देर तक चल रही है ना, उस हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें क्लियर है। इसके बाद अब आगे हम लोग समझेंगे कि आखिर कारण क्या होते हैं महासागरी जल धाराओं की उत्पत्ति की, है ना, महासागरी जल धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं। तो नोट करते रहिएगा आप, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कारण, महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति के कारण समझेंगे, है ना। देखिए हमारी पृथ्वी पर इतना बड़ा जल भंडार है, हमारी पृथ्वी पर इतना बड़ा जल भंडार है ना, कभी अंदाज़ा लगा है कितना है? पृथ्वी पर 71% पानी है भाई, महासागरों में 71% पानी की वजह से ही जब आसमान से हम देखते हैं तो पृथ्वी हमें नीला दिखाई देती है ना। नीला ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा, सब कुछ नीला नीला हरा हरा दिखाई देता है, तो ओवरऑल नीला है ना, तो इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, है ना, ब्लू प्लैनेट भी पृथ्वी को कहा जाता है। तो 71% क्या है? पानी है, समझिए। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो सारी चीज़ें आप समझ लेंगे। लेकिन क्या ये 71% पानी पूरा पीने लायक है? जब इतना ज़्यादा पानी है तो हम क्यों पानी बचाने के लिए कहते हैं कि पानी का संरक्षण, जल संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है, वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि ये पीने लायक नहीं है। तो पीने लायक पानी है कितना? 71% में से 97%, है ना, मतलब पूरा इसका 97% जो पानी है वो खारा है, यानी कि समुद्र में है, और समुद्र का जल पीने लायक नहीं होता क्योंकि वो खारा होता है। तो बचा कितना? 3% बचा। तो 3% पानी क्या पीने लायक है? नहीं। इस 3% में से भी 2% जो है वो हिम के रूप में, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। कहाँ जमा है? ग्लेशियरों के रूप में, है ना, पहाड़ों पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, है ना, आर्कटिक महासागर में, ग्रीनलैंड का इलाका, साइबेरिया, कनाडा का इलाका, अंटार्कटिका, ये पूरा बर्फ से, बर्फ के रूप में है ये पीने लायक पानी। ठीक, अब बचा कितना? 1%। 1% है, और ये 1% हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो 1% है, इस 1% में से 0.7%, 0.7% क्या है? भूमिगत है, जो हम जमीन से निकाल करके पीते हैं। इसमें से इस एक परसेंट में से 0.7% क्या है? भूमिगत है, जो हम जमीन से निकाल के पीते हैं, वही हमारे काम में आता है। और जो बाकी 0.3% बचा इसमें से, ये क्या है? नदियों में है, झीलों में है, तालाबों में है, जिसका हम प्रयोग कर ही नहीं पाते, है ना। नदी का पानी कितने लोग पीते हैं? फिर वो पानी पूरा भैंस पीती हैं, है चीज़ें, है ना, यूज़ करते हैं, लेकिन भाई बड़े पैमाने पर देखिए तो उसको निगलेक्ट किया जा सकता है ना। लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 0.3% जो पानी है नदी में है, झीलों में है, तालाबों में है, झरनों में, लेकिन ये भी कि नदियों का जैसे जल है तो ये भी बह के कहाँ चला जाता है? समुद्र में। तो वो भी समुद्र से मिल करके क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो हमारे पास 0.7% पानी है, इसीलिए हमको पानी बचाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक ना, अब समझिए बात को। जब हम कारण देखते हैं महासागरी जल धाराओं की उत्पत्ति के कारण, है ना, कि उत्पत्ति के क्या कारण हैं, क्यों जल धाराएँ उत्पन्न होती हैं, तो इसका अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए। एक होता है क्रीप करना, क्रीप यानी कि विसर्पण, विसर्पण, है ना, क्रीप। कभी कभी क्रीप भी होता है, विसर्पण भी होता है। जैसे समझिए, ऊपर का अगर कोई ठंडा जल है तो ठंडा पानी नीचे जाता है, तो ऊपर से ठंडा जल भारी मात्रा में नीचे चला जाता है, है ना, या नीचे का कोई जल भारी मात्रा में ऊपर आता है। तो सोचिए, नीचे से कोई जल क्या हो रहा है? ऊपर आ रहा है, तो ऊपर के जल को धकेलेगा ना, इस साइड धकेलेगा, इस साइड धकेलेगा, है ना, तो इससे भी धाराओं का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है। भाई नीचे से अगर पानी आ रहा है तो जाहिर सी बात है आएगा तो बाकी चीज़ों को ढकेलेगा, तो उसको बोलते हैं विसर्पण, क्रीप कर। इससे समुद्री
समुद्रों में क्या होता है कि तरंगे उत्पन्न होती हैं और उन वे तरंगे क्या करती हैं, जलधाराओं का निर्माण करती हैं, जैसे फाकलैंड की जलधारा इसी का परिणाम होती है ना। अंटार्कटिका से आती है, ठंडी होती है और नीचे से ठंडी है ना, नीचे से आकर के ब्राज़ील की जलधारा में मिलती है। चलिए आगे बताते हैं, अब उत्पत्ति के कारण हम लोग देखेंगे कि क्या कारण है महासागरीय जलधाराओं के उत्पन्न होने के, ठीक ना। तो कुछ हम इसको डिवाइड करेंगे कुछ इस हिसाब से कि अलग अलग तरीके से हम उसको क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक ना। समझिए बात को, देखिए सबसे पहला वायुमंडलीय कारक, अगर हम अलग अलग डिवाइड करें इसको, है ना, तो ये है वायुमंडलीय कारक। अब वायुमंडलीय कारकों में क्या है, वाष्पीकरण, इसके अलावा सूर्यातप, इसके अलावा पवन प्रवाह, पवनों का प्रवाह, इसके अलावा तापमान, ये हो गए वायुमंडलीय कारकों की श्रेणी में। अब समझिए इसको, वाष्पीकरण का मतलब क्या है भाई। अगर वाष्पीकरण कहीं पर ज़्यादा हो रहा है, मान लीजिए बड़े पैमाने पर महासागर है, किसी हिस्से में वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होने लगा, किसी हिस्से में वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ का पानी कम होगा ना, और उसकी पूर्ति के लिए अगल बगल का पानी आएगा। यहाँ पर इस इलाके में वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक, तो अगल बगल का पानी आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पानी वाष्पीकरण होगा, पानी कम होगा। एक कारक हो सकता है, हालांकि ये बिल्कुल नगण्य होता है, नगण्य का मतलब कि वाष्पीकरण इतना थोड़ी हो जाएगा कि जलधारा का प्रवाह हो जाए, लेकिन एक कारक माना जाएगा। कारक तो है ना, इसका भी कुछ ना कुछ तो योगदान है, 0.1% ही हो लेकिन है, इसलिए हमें सब पढ़ना है। उसके बाद सूर्यातप, सूर्य से आने वाला प्रकाश पानी को गर्म करता है, ठंडा करता है ना। तो पानी अगर गर्म हो गया तो फैलेगा, समझिए बात को, पानी अगर गर्म हुआ तो फैलेगा, फैलेगा तो प्रवाह होगा, धाराओं की उत्पत्ति होगी, ठीक। कम मिला तो ठंडा हो जाएगा, तो अब दूसरे साइड से ठंडा होगा तो जल आने लगेगा, गर्म है ना, ये चीज़ ठंडा होगा तो नीचे चला जाएगा, ये भी बात है। पवन प्रवाह, वायुमंडलीय कारक क्या है, पवन है, हवा अगर चल रही है ऊपर से ऐसे तो पता चला कि जल को ढकेल रही है, ढकेल के लेके चली जाएगी। उसके अलावा तापमान है ना, महासागरीय जल का तापमान अगर कहीं पर ज़्यादा हो, तापमान ज़्यादा होगा तो वह जल गर्म हो जाएगा, तापमान ज़्यादा होगा तो वह जल गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा तो फैलेगा, तो तापमान भी महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण होते हैं। तो ये हो गया क्या, वायुमंडलीय कारक। दूसरा पृथ्वी से संबंधित कारक, समझिए, नेट के एग्जाम में ऐसे कारक दे देता है, आप सोचेंगे कह रहे वाष्पीकरण से तो क्या मतलब है, कुछ नहीं, लेकिन एक कारक होता है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा है पृथ्वी से संबंधित कारक। अब पृथ्वी से संबंधित कारकों में क्या है, सबसे पहला पॉइंट, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी घूर्णन कर रही है ना, अपने अक्ष पे पृथ्वी घूम रही है, तो घूमने की वजह से कोरियालिस बल जनरेट होता है, तो पृथ्वी का घूर्णन कहिए चाहे कोरियालिस बल कहिए, चाहते तो हम कोरियालिस बल दूसरा पॉइंट यहाँ लिख सकते थे, लेकिन यहीं पे बता देते हैं, है ना, कोरियालिस बल को विक्षेपक बल कहते हैं, ठीक ना। इससे भी क्या होता है, जल महासागरीय जल में गति आ जाती है, तो धाराओं का प्रवाह का स्ट्रीम का निर्माण होता है, क्लियर है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, अच्छा एक चीज़ बताइए, काफ़ी बार दिमाग में आता नहीं है, अगर पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो पृथ्वी के घूर्णन करने की दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूर्णन कर रही है ना। लेकिन अगर आप सूर्योदय और सूर्यास्त होते हुए देखिए तो आपको लगेगा कि पूर्व से पश्चिम घूर्णन कर रही है, ऐसा होता है ना,
ठीक, इसको बोलते हैं भ्रमित दिशा, है ना, इसको बोलते हैं भ्रमित दिशा, जो सूर्य के सापेक्ष हम देखते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या सूर्य विगति कर रहा है? क्या सूर्य विगति कर रहा है? सूर्य भी घूर्णन कर रहा है अपने अक्ष पे। सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है कि नहीं करता है? किधर से किधर? सूर्य अपने अक्ष पर जान लीजिए घूर्णन करता है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक ना, सूर्य करता है घूर्णन। और पृथ्वी कैसे करती है? वेस्ट टू ईस्ट करती है, ठीक। क्या चंद्रमा भी घूर्णन करता है अपने अक्ष पे? चंद्रमा भी अपने अक्ष पे घूम रहा है, बताओ। लेकिन चंद्रमा का हमें हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है, इससे तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा घूम नहीं रहा है। चंद्रमा भी घूर्णन करता है अपने अक्ष पे, ठीक ना, समझ लीजिए अपने अक्ष पे चंद्रमा भी घूमता है। उसके घूर्णन करने की दिशा क्या होती है? वही जो पृथ्वी की होती है, जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वो भी घूमता है, ठीक है। पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व, चंद्रमा भी पश्चिम से पूर्व घूमता है, लेकिन सूर्य क्या है? ईस्ट टू वेस्ट घूर्ण, अपनी एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्सिस में, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, जैसे ज्वारभाटा में पढ़ाएंगे सारी चीज़ें, कि चंद्रमा का एक ही भाग हमें क्यों दिखाई देता है जब वो घूम रहा है? तो क्वेश्चन समझिए, कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। जब वो चंद्रमा भी घूम रहा है तो हमें तो चारों तरफ का भाग दिखाई देना चाहिए ना, उसका एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? तो जितने दिन में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है उतने दिन ही लगते हैं उसको अपने अक्ष पे भी घूमने में। 29 दिन पृथ्वी का चक्कर लगाता है और 29 दिन में भी अपने ही अक्ष पे घूमता है, इसलिए हमें हमेशा उसका एक ही भाग दिखाई देता है ना, हमें लगता है घूम नहीं रहा है। वो धब्बा जो होता है उसमें हमें एक ही सेम दिखाई देता है कभी भी, आप देखिए, यही कारण है। समझ रहे हैं? नहीं समझे? जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, ठीक ना, और हम इधर, जैसे हम यहाँ खड़े हैं और कोई यहाँ पे है, जैसे मान लो कि ये हमारा चक्कर लगा रही है। अब जो है कि ये खुद भी उतना ही घूम रही है जितने दिन में हमारा पूरा चक्कर लगा रही है, तो हम जब देखेंगे तो हमें एक ही भाग इसका हमेशा दिखाई देगा, ठीक ना, ये चीज़ तो समझिए। ये सारी चीज़ें हैं तो पृथ्वी से संबंधित कारकों में पृथ्वी का घूर्णन है ना, कभी कभी, हाँ समझो बात को, है ना। अच्छा, इसमें भूकंप और ज्वालामुखी वगैरह को मत लाइएगा, क्योंकि उससे फिर सुनामी आती है, फिर धाराओं का निर्माण नहीं होता, उससे सीधे सुनामी आती है ना, सुनामी का मतलब भयानक तबाही, ठीक ना। देखिए दूसरा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए भाई, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल भी धाराओं के उत्पन्न होने का कारण होता है, ठीक ना, बात समझ आ रही है ये चीज़। अच्छा, वायुमंडलीय कारक में एक और कारक आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, वायुदाब, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एयर प्रेशर भी महासागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति का कारण होता है, जहाँ पर दाब कम होगा है ना वहाँ पर धाराएं आएंगी, जहाँ पर दाब ज़्यादा होगा वहाँ से धाराएं धकेली जाएंगी, जल समुद्री जो सतह का जो जल होता है वो धकेल दिया जाएगा, ठीक। इसमें एक और कारण आप लिख लीजिएगा, वर्षण, वायुमंडलीय कारक में है ये वर्षण, ठीक है। क्या हुआ? क्या उठ गया? सही है, जल्दी बोलो। नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। क्या हुआ शाली? तुम बता, तुम सही बताती हो, ठीक है, झूठ बोलती है कभी कभी। ठीक ना, तो अगला जो कारण है वो है वर्षण का। वर्षण में समझिए क्या चीज़ें होती हैं भाई, अगर वर्षण ज़्यादा हुआ, समझिए इधर, अगर वर्षण ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई मान लीजिए, तो जल का जो प्रवाह है वो नदियों से होकर के समुद्रों में जाएगा, तो नदी से होकर के समुद्र में जा रहा है ना, तो वहाँ से भी जल में प्रवाह उत्पन्न हो जाएगा, जल में गति उत्पन्न हो जाएगी, तो वर्षण भी एक कारक हुआ, क्लियर। तीसरा, कुछ अंतःसागरीय कारक भी होते हैं, अंतःसागरीय कारक। अंतःसागरीय कारक क्या होते हैं? ऐसे कारक
जो सागरीय जल में मौजूद होते हैं और उनके काल धाराओं की उत्पत्ति होती है, जैसे सागरीय तापमान, जल का तापमान इसको कहते हैं सागरीय तापमान, यानी कि जल का तापमान। दूसरा घनत्व, तीसरा लवणता, ठीक ना। सागरीय तापमान, घनत्व, लवणता, सागरीय तरंगे, ये चीजें हैं। अब समझिए सागरीय तापमान यदि कि समुद्री जल के तापमान की अगर हम बात करें तो समुद्री जल का तापमान हमने बताया, आगे इसमें भी बताया था हमने यहाँ पे कि अगर समुद्री जल का तापमान ज़्यादा हो तो वहाँ से दूसरे साइड क्या करेगी, जलधारा चलेगी, प्रवाह उत्पन्न होगा। दूसरा घनत्व, सागरीय जल का घनत्व अगर ज़्यादा है तो घनत्व ज़्यादा है तो क्या करेगा, अपने से कम घनत्व की ओर चलेगा। घनत्व ज़्यादा है तो अपने से कम घनत्व की ओर जाएगा, समझ में आती है ना ये बात। घनत्व का मतलब डेंसिटी, जितना कंप्रेस होगा, जितना सिकुड़ा रहेगा है ना, वहाँ से वो फैलने की कोशिश करेगा। उसके बाद लवणता, लवणता अधिक होगी तो जल का घनत्व अधिक होगा। लवणता अगर बहुत ज़्यादा है तो जल का घनत्व भी ज़्यादा होगा, यानी कि लवणता अधिक होगी तो भी इसका प्रवाह होगा। सागरीय तरंगों के कारण भी इसका होता है प्रवाह, है ना। एक चीज़ और यहाँ से जो छूटा हुआ है उसको समझ लेते हैं। प्रश्न आता है कि महासागरीय जल धाराओं की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या है, या महासागरीय जल धाराओं की जो दिशा है वो किस चीज़ से निर्धारित होती है, है ना। दिशा, अगर हम दिशा की बात करें, समझिए यहाँ पर लिख देते हैं दिशा। दिशा को निर्धारित करने वाले कारक, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तट की प्रकृति। तट की प्रकृति, क्लियर, समझिए तट की प्रकृति। तट अगर इस प्रकार से है और कोई जलधारा इधर चल रही है तो यहाँ से जा करके जाहिर सी बात है ये इधर मुड़ेगी, तो अभी दिशा इसकी इधर थी, अब दिशा किधर हो गई, इधर हो गई, समझिए। दूसरा कारण क्या है, नितल का उच्चावच। जैसा नितल होगा भैया उसी हिसाब से महासागरीय जलधाराओं की दिशा भी तय होगा, है ना। कितना ढाल है, कितना मग्न तट है, कि डीप सी प्लेन है, कि कटाफटा है, क्या है, कैनियन है, कि गार्ज है, इस सब का भी प्रभाव पड़ता है महासागरीय जलधाराओं पे, है ना। आपने देखा होगा कि जो जलधाराएं हैं वो महाद्वीपों के किनारे ही उत्पन्न होती हैं और चलती हैं, बीच समुद्र में आपको जलधाराएं नहीं दिखेंगी, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं महासागरीय जलधाराओं के बारे में, प्रवाह क्या होता है, धारा क्या होता है, विशाल धारा और विक्षेपण क्या होता है, ये हमने बता दिया आपको। इसके बाद महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण हमने बता दिए कि कारण इसके क्या होते हैं, ठीक ना। इसके बाद कुछ और चीज़ें हमने बताई हैं, कारकों को अलग अलग डिवाइड किया है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में ये कारक डिवाइड होकर के आपको नहीं पढ़ना होता है, वहाँ पूरा टोटल पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आप डीप में पढ़ते हैं तो फिर यहाँ से ये डिवाइडेशन हो करके आप पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पृथ्वी संबंधित कारक कौन है, क्लियर। और इसके बाद फिर हमने आपको बताया उसकी महासागरीय जलधाराओं की दिशा को निर्धारित करने वाले कारक, महासागरीय जलधाराओं की दिशा किस प्रकार से निर्धारित होती है। देखिए ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं और एक एक करके सारा सब्जेक्ट क्या करेंगे इस तरीके से, और हर एक टॉपिक कवर करेंगे। इसे देखो, एक चीज़ अभी एक लड़का फ़ोन किया था, अभी वो पूछ रहा था कि सर नेट की तैयारी के लिए, पीजीटी की तैयारी के लिए, ऑनलाइन के लिए बताइए। हमने बताया भैया ऐसा है कि यूट्यूब से अगर आप पढ़ सकते हैं तो वो सबसे बढ़िया है, और नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर आप पैसा खर्च करिए, क्या करेंगे, फिर भी आपको वहाँ समझ में नहीं आएगा। तो होता है ना कभी कभी दिक्कतें होती हैं, कुछ लोगों को ये रहता है कि नहीं भैया हमें पैसा खर्चा करना इसे समझ में नहीं आ रहा। तो ऑनलाइन के लिए बता दें कि 20,000 रुपये जो है लिया गया है क्लास का, 20,000 रुपये, वो भी केवल ज्योग्राफी के लिए ना, सेकंड पेपर के लिए नेट का, और फर्स्ट पेपर के लिए 10,000 लोग मांग रहे हैं, तो कुल मिला जुला के 30,000 रुपये का ब्यौरा बन गया है। और वही चीज़ हम कहते हैं कि आप यूट्यूब से फ्री में पढ़िए, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा,
ठीक है, फर्स्ट पेपर का भी आपको मिल जाएगा, मैं तो सेकंड पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट भी आपको मिल जाएगा पूरा, किसी न किसी ने पढ़ाया हुआ है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन भाई अपने अंदर ये है कि चलिए खर्चा ही कर दो, करिए खर्चा 30,000, 40,000, 50,000 करते रहिए ना। तो कभी कभी होता है ना कि जब फ्री की चीज़ें मिलती हैं तो इंसान को समझ में नहीं आता है, अभी जब पैसा उसमें भी क्या होता है, ऑनलाइन वालों की कंडीशन अब समझो क्या होता है, ऑनलाइन वाले क्या करेंगे, वो जो पढ़ाएंगे आपको वही पढ़ना पड़ेगा, और आप सोचेंगे कि आप, सबसे बड़ी चीज़ आप सोचेंगे कि आपका काम उतने में ही हो गया, क्योंकि आपको अंदर से अविश्वास आ जाएगा कि हम पैसा दिए हैं वो जितना पढ़ा रहे हैं उतना आएगा, जबकि होता है ऐसा नहीं है, पैसा बस ऑनलाइन ऐप पर ले लिया जाता है। अभी बायजू की वेदांतु वगैरह की भी कंडीशन क्या थी, बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी है ना, नीट वालों के लिए, जेई वाले बच्चों के लिए 50,000, 60,000, 80,000 रुपये ले करके और एक महीना क्लास चला के बंद कर देते हैं सर, आप करेंगे क्या, दौड़ते रहिए। और नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा, नॉर्मल व्यक्ति उनके अगेंस्ट कोर्ट थोड़ी जा पाएगा, एक तो कैसे कर्जा उर्जा लेकर पैसा भरे, अब उनके अगेंस्ट कोर्ट में जा करके पैसा खर्चा थोड़ी कर पाएंगे, तो फिर झेलते हैं, और ऐसे उन लोगों को फ़ायदा होता है, आपका नुकसान होता है ना। तो दिमाग को खोलने की ज़रूरत है, यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, है ना। अब गूगल की सारी चीज़ें देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा पढ़ा देंगे हर एक चीज़, है ना, टोटल ज्योग्राफी आपकी तैयार हो जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे महासागरीय जल धाराओं, है ना, अटलांटिक महासागर की जल धाराएं, प्रशांत महासागर की जल धाराएं और हिंद महासागर की जल धाराएं, उनकी विशेषताओं के साथ अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।